हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी नया रिटेलर दुकान खोली है या तो कोई भी आप अगर नया शॉप खोले हो और आपको डिजिटल पेमेंट वहाँ पर एक्सेप्ट करना, बट आपको प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे हम लोग डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करें। आप बहुत किसी के दुकान में देखे होंगे फ़ोनपे का स्टैंड QR कोड स्कैनर जो होता है वो स्टैंड पे होती है, बहुत किसी का गूगल पे जो स्टैंड होती है वो होती है, बहुत किसी का पेटीएम होती है, तो वो कैसे वो लोग मंगाते हैं, क्या उसके लिए पैसा लगती है या तो फिर वो फ्री में आते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको इसमें जानने को मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक डी टू के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग कोई भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए फ़ोनपे या तो गूगल पे अगर हम लोग मंगाना चाहते हैं जो QR कोड है, तो क्या उसके लिए पैसा लगती है? तो जी, इसके लिए पैसा बिल्कुल नहीं लगती है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और वो फ़ोनपे और गूगल पे खुद आपको वो प्रोवाइड करती है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, ना ही उसका कोई एजेंट को बुलाने की ज़रूरत है, आप सिंपल अपने घर बैठे मोबाइल से ये सारी चीज़ें मंगा सकते हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप घर बैठे ये सारी चीज़ों को अपने घर में मंगा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप फ़ोनपे या तो गूगल पे यूज़ करती होंगी जिसमें आपका फ़ोन नंबर से बैंक अकाउंट लिंक रहता है, और अगर आप फ़ोनपे या गूगल पे यूज़ करते हो तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। सबसे बड़ी बात इसका पहला आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक होना है, मतलब लिंक है, वही मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके मोबाइल पे रहना चाहिए और उसी से आपका SMS वगैरह सारा कुछ सेंड होना चाहिए, तभी ये अच्छी तरह से सक्सेसफुली काम होगी। आपको क्या करना है, सिंपल प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद गूगल पे जो है, मैं आपको इसके बाद प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे होगा। गूगल पे बिजनेस अगर आप गूगल पे मंगाना चाहते हो, और फ़ोनपे बिजनेस अगर आप फ़ोनपे का QR कोड मंगाना चाहते हो, दोनों में से कोई भी आप मंगाना चाहते हो तो कोई भी मंगा सकते हो। मान के चलिए जैसे यहाँ पर मैं इस वीडियो में फ़ोनपे के बारे में बात करूँगा, गूगल पे के बारे में ऑलरेडी बात किया हुआ है, एक वीडियो आप है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या तो आई बटन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पर मंगाना है फ़ोनपे, तो फ़ोनपे बिजनेस जो है प्ले स्टोर पर वो आपको डाउनलोड करनी है। फ़ोनपे बिजनेस डाउनलोड करने के बाद जो भी क्राइटेरिया वहाँ पर मांगेगी वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद क्या होगी, 15 से 20 दिनों के अंदर क्या होगी, वो जो फ़ोनपे का QR कोड है स्कैनर, वो आपके सीधे घर पे डिलीवर हो जाएगी बाय पोस्ट। और ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है, एकदम डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करती है, इसमें आपको कोई भी कुछ दिक्कत वगैरह कुछ भी नहीं आने वाली है, ना ही कभी पेमेंट फेल वगैरह ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होने वाली, क्योंकि मैं गूगल पे का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है अच्छी तरह से। तो अगर आप फ़ोनपे का यूज़ करना चाहते हैं फ़ोनपे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप गूगल पे यूज़ करना चाहते हैं गूगल पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पेटीएम यूज़ करना चाहते हैं तो पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप फ़ोनपे का एक QR कोड स्कैनर मंगा लेते हो तो उसी के साथ आपको फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, किसी से भी आप उसमें पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये फ़ोनपे अपने आपको बताता है। तो चलिए टाइम ना लॉस करते हैं, फटाक से हम लोग देख लेते हैं ये कैसे ये प्रोसेस हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ जरूरी सर्च करना है फ़ोनपे बिजनेस, ठीक है, जैसा कि मेरे सर्च किया आप देख पा रहे हैं, फ़ोनपे बिजनेस आपको सर्च कर लेना है। और ये जो एप्लीकेशन है पहला फ़ोनपे बिजनेस एप्लीकेशन, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई मिलता है। यहाँ पर हर चीज़ को आपको एलो कर देना है। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना, चलिए मैं फटाक से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक फिल होने के बाद यहाँ पर देखिए आपका गेट स्टार्टेड है, इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कैसे आपका प्रोफाइल्स वगैरह होगा, कैसा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ करने के बाद देखिए आप यहाँ से जो है शो QR जो आपका दिख रहा है, यहाँ पर शो QR आप कर सकते हैं, तो आपका जो QR कोड है आपका डायरेक्ट मोबाइल पर दिखेगी। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो मोबाइल नंबर से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक है वही नंबर पे आपको इसी मोबाइल पे वो नंबर रखना है, क्योंकि इसी से क्या होगा आपका बैंक और फ़ोनपे का जो QR है उसमें लिंक होगा, यानी कि जब भी फ़ोनपे का QR में आपका कोई स्कैन करेगा सीधे एक पैसा क्या होगा आपके सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए मैं फटाक से लिंक नाउ पे कर देता हूँ। यहाँ पर बिजनेस नेम यानी कि जो भी मान लीजिए आपका शॉप नेम है, ठीक है, शॉप नेम जो भी है उस शॉप नेम पे आप मंगा सकते हैं। चलिए मैं सिंपल सा दे देता हूँ TechD2, ठीक है। बिजनेस कैटेगरी हो गया, बिजनेस कैटेगरी में आपको चूज़ करना है आपका कौन सा बिजनेस कैटेगरी है, मैं अदर्स में कर देता हूँ। बिजनेस लोगो आप डाल सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन फीचर देती है फ़ोनपे में, जबकि गूगल पे में बिजनेस लोगो डालने का नहीं रहता है। बट आपका अगर बिजनेस का कोई लोगो है जो आपके मोबाइल पे सेव है तो आप यहाँ से आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके लोगो भी डाल सकते हो, ठीक है, बट फिलहाल अभी मैं लोगो नहीं डालूंगा। इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आएगा आपका सारा एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालोगे। क्यों एड्रेस यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोनपे का जो QR कोड है आपके घर पे डिलीवरी होती है, हर किसी को पता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसमें एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपल अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। तो क्या होगी, कुछ दिनों बाद, आई होप 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, 10-15 दिन के बाद क्या होगी, जो फ़ोनपे का जो स्टैंड है, जो QR कोड स्कैनर है, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। फिलहाल मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको कंटिन्यू आगे नहीं करूँगा, बट आप लोग क्या कीजिए, अपना इसमें सारा कुछ डिटेल्स वगैरह डाल के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा, तो वहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूँगा। तो ये है कुछ आसान सा तरीका जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, फ़ोनपे का QR कोड स्कैनर जो होता है वो मंगा सकते हो घर बैठे बैठे। और जबकि मैंने इसमें पूरा फिलअप नहीं किया था क्योंकि मुझे फ़ोनपे का QR कोड एक्चुअली चाहिए नहीं था, बट अगर आपको चाहिए फ़ोनपे का QR कोड तो आप जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर एड्रेस डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्या होगा कि UPI से लिंक करने के बोलेगी आपका बैंक अकाउंट, आप सिंपल वहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल नंबर से एक मैसेज जाएगी, ऑटोमेटिक क्या होगी आपके बैंक से वो जो QR कोड है वो लिंक हो जाएगी, उसका डायरेक्ट पेमेंट आपके सीधे बैंक में आने लगेगी। ये सारे प्रोसेस है। अगर इसमें फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो जैसे मैंने पहले बताया आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस डाउट को जरूर से जरूर क्लियर करूँ। और एक बार लिंक होने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कहीं भी अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। कि आप सोचोगे कि मुझे फ़ोनपे का QR कोड चाहिए तो मुझे कहीं जगह अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए, लिंक करने के बाद ही जैसे फ़ोनपे का QR कोड जो दिख रहा था नीचे में वहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपको QR कोड शो हो रहा है, इसका मतलब आप जान लीजिए कि 10 से 15 दिन के अंदर क्या होगी, आपके पास जो QR कोड स्कैनर है वो ऑटोमेटिक आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इस चैनल पर मैं इसी तरह का वीडियोज़ लाते रहता हूँ, तो चैनल को सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।